यूट्यूब चैनल, आई होप यू ऑल आर अ फाइन गाइज। सो मैंने यहाँ पर मैंगो शेक बना के अब लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ गाइज, और बच्चों ने ब्रेकफास्ट जैसे कि कर लिया है। आज दिल्ली में बाढ़ आ चुकी है हमारे यहाँ, तो बच्चे जल्दी आ गए थे स्कूल से, तो मैंने फटाफट लंच की तैयारी करी। तो यहाँ लंच में मैंने फटाफट बनाए गट्टे की सब्जी, तो मैं यहाँ पे बेसन के गट्टे बना रही हूँ गाइस। तो मैंने फटाफट यहाँ पे करा प्याज को कद्दूकस, और इतने में मैंने प्याज को कद्दूकस करा, तो ये हमारी कद्दूकस करी प्याज है। तो मैं अभी और प्याज कद्दूकस कर रही हूँ गाइस। तो इसमें अब ऐड करेंगे हम बेसन, जैसा कि बड़ी हबड़ा तबड़ी में मेरे बच्चे भूखे आए थे फटाफट से, तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए कुछ ना कुछ जल्दी से बना लें। तो मैंने फटाफट ब्रेक लगाई और बच्चों ने कहा कि हमें खानी है गट्टे की सब्जी, तो हमने यहाँ गट्टे की सब्जी रेडी कर ली। तो ये रहा हमारा बेसन, इसमें ऐड करी हमने नमक मिर्च, इसमें प्याज है, बेसन है, नमक मिर्च, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे हम। और इधर मैंने गैस पर रख दिया था बॉयल होने के लिए पानी गट्टे, ताकि जैसे मेरा पानी बॉयल हो और मैं गट्टे बना के फटाफट इसमें डालती रहूँ। तो यहाँ मैं इसको हाथों की सहायता से मैश कर रही हूँ, हल्का सा बस हम ऑयल डालेंगे नाम मात्र के लिए, और इसको अच्छे से मैश करके हम इसको पतला बेलना शुरू कर देंगे, हाथों की सहायता से लंबे पतले कर लेंगे हम इसे, अच्छी सी शेप दे देंगे हम इसे। सो गाइस मैं इसको अच्छे से कर रही हूँ रेडी तैयार, ये देखिए। तो मैं ऐसे एक एक करके ना एक प्लेट में सारे बना लूँगी गट्टे, और फिर जैसे मेरे गट्टे रेडी हो जाएंगे तो मैं इस पतीले के अंदर उन गट्टों को डाल दूँगी गाइस। तो गाइस गट्टे मेरे रेडी हो रहे हैं, तो यहाँ ये मेरे गट्टे रेडी हो गए गाइस। तो मैं इसमें पतीले में डालती रहूँगी 1, 2, 3, 4 ऐसे ही मैंने और गट्टे रेडी कर लेने हैं। और जैसे मेरे गट्टे रेडी हो चुके हैं तो ये मैं डाल रही हूँ सारे गट्टे, ये कम से कम 12 गट्टे रेडी हो चुके हैं। तो मैं इसके अंदर पानी के अंदर बॉइल पानी में डाल दूँगी इन सब गट्टों को। तो ये रहा गट्टे की सब्जी रेडी हो रही है, बॉइल हो रहे हैं, ये थिक थोड़े से हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी एक छन्ने में। और जैसे कि मैंने छन्ने में इसको निकाल लिया, और मैं इनको कट करती जाऊंगी गाइस 1-1 करके गोल गोल पीसेस में। और ये मैंने इसे भी कट कर लिया है। तो इधर चलेंगे हम सारे गट्टों को रेडी कर लेंगे कट करके। और यहाँ गैस पे मैंने रखा है कुकर गाइस, तो जैसे हमारा ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, और मैं इसमें डाल रही हूँ ऐसी मेथी का सूरी, क्योंकि मेरे पास धनिया ख़त्म हो चुका था, तो मैंने अब इसमें डाल दी है प्याज का पेस्ट, और अब ऐड कर दूँगी मैं इसमें टमाटर, और इसमें डाली मैंने लाल मिर्च 1.5 चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी 1 चम्मच, धनिया स्वाद अनुसार, नमक डालेंगे जैसे आपको पसंद हो आप वैसे डालिए,
और अब हम थोड़ा पानी डाल के इसको मसाले को भून लेंगे। जैसे हमारा मसाला भून जाएगा गाइस, तो हम इसमें डालेंगे 4 ग्लास पानी। जैसा कि इसमें मैं 4 ग्लास पानी ऐड कर दूंगी। और ये मेरी पानी की तरी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें डालेंगे अपने गट्टे। थोड़ा सा ये पक जाएगा, पानी बॉईल हो जाएगा, तो हम गट्टे सारे अपने इसमें डाल देंगे। सॉरी टू इंटरप्ट यू। और यहाँ मैंने बेसन की रोटी के लिए थोड़ा सा बेसन लिया है और इसमें डाला है नमक और मिर्च, हल्दी थोड़ी सी। और यहाँ मैं आटा मिक्स कर दूँगी इसमें थोड़ा सा, क्योंकि साहिबा का मन था बेसन की रोटी खाने का, तो मैंने उसके लिए बेसन की चपाती की रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा आटा गूंद के, बाकी आटा हमारा गूंदा हुआ है सिंपल रोटी के लिए, गेहूँ का, वो पहले से मैंने प्रिपेयर कर लिया था गाइस। और जैसा कि मेरी सब्जी, मेरा आटा गूंद चुका है, ये एक परफेक्ट डो बन जाएगा, एक हल्के हल्के हाथों से सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये मेरा परफेक्ट डो बन गया है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी गाइस। और उसके बाद चलते हैं चपाती बेलने के लिए। यहाँ मैंने कट्टे सारे अपने डाल दिए हैं कुकर के अंदर, तो मेरी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। सो गाइस, मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है गट्टे की। देखिए इसमें ऑयल आ चुका है, सो दैट मैं इसको थोड़ा सा सिम पे रखूँगी, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी फ्लेम को और इसको कुकर को ढक दूँगी प्लेट से। और इधर मैं पूजा करने के लिए आ गई थी गाइस। इस सुबह मैंने पूजा करके अपना हट गई थी, थर्सडे है आज जैसे कि। और यहाँ आके मैं फुलके रेडी करने लगी हूँ गाइस, सिंपल गेहूँ के, और उसके बाद बनाएंगे बेसन की रोटी। यहाँ मैं बेसन की चपातियाँ बेल रही हूँ अब। ये मेरी बेसन की चपाती अलग से रेडी हो चुकी हैं, बाकी गेहूँ की इतनी रोटी मेरी रेडी हो चुकी हैं। और ये हमारी बेसन की रोटी है। गाइस ये बेसन की रोटियाँ इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट बनती हैं, देसी घी लगा के बहुत ही मस्त लगती है ये रोटी, और गट्टे की सब्जी के संग तो और भी मस्त लगती है। तो ये मेरी चपाती रेडी हो रही है। तो ये था हमारा लंच, परफेक्ट लंच। और इधर मैंने मैंगो काट कर लिए थे, तो जो मैंने साइड में मैंगो रखे हुए हैं। तो ये बेसन की रोटी है, गट्टे की सब्जी और मैंगोज। और चलते हैं लंच के लिए अंदर घर में। तो यहाँ बच्चे रेडी हैं लंच करने के लिए, तो चलते हैं बच्चों के पास। ये साहिबा की थाली है और ये लियो भाई सब की थाली है। तो यहाँ मैं लियो को खिला रही हूँ रोटी।